खूब कहा है कि मुश्किल के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट दे वही असली शेर होता है। शेर जंगल का राजा होता है, ये बात सबको पता है, लेकिन उसे जंगल का राजा बनाया किसने, ये बात किसी को नहीं पता। शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है हाथी, शेर से भी ज्यादा गति से दौड़ सकता है चीता, शेर से भी ज्यादा चालाक होती है लोमड़ी। शेर बाज की तरह आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता, ना तेज है ना ताकतवर है ना चालाक है ये शेर, फिर कैसे ये जंगल का राजा कहलाता है। शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है। एक कहावत है, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। शेर खुद से 10 गुना बड़े हाथी को मार गिराता है, हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर की सोच उसे कहती है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर और बड़ा होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा होता है, क्योंकि शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखना, अगर अपने काम को लेकर इस एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इस काम को कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। अगर शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसकी तरह निडर बनना सीखो। याद रखो, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। वो जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि वह मानता है, उसके मानने के कारण ही वो जंगल का राजा बना हुआ है। वो अंदर से इस बात को महसूस करता है कि जिस दिन वह राजा खुद को राजा मानना बंद कर देगा, उस दिन वो जंगल का राजा नहीं रहेगा। हमारे जीवन में भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन हमारा खुद पर यकीन ही हमारे दिन को संचालित करता है। हम परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर उनसे लड़ते हैं, या उनके खिलाफ हार मानकर चुपचाप समर्पण कर देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। जिन लोगों को अपने आप पर अटूट विश्वास होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में 2-4 कदम पीछे जाने से नहीं हिचकते। वे कदम पीछे हटाने में जरा भी नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल होते ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शेर शिकार का कर्म करता है और उसे फल में मिलता है भोजन, लेकिन वो फल के लालच में शिकार नहीं करता, उसे कर्म करने में मजा आता है। शेर को शिकार करने में मजा आता है, तभी तो वो किसी और के द्वारा मारा गया जानवर नहीं खाता। यही बात आप पर भी लागू होती है। अगर आपको कर्म करने में मजा आता है तो आपको फल अपने आप ही मिल जाएगा। अधिकतर लोग केवल फल के लालच में उसके पीछे भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सफलता उनको मिलती है जिन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले जरूरी काम करने में मजा आता है। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि झुंड में शिकार कुत्ते करते हैं, शेर केवल अकेला ही काफी होता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अकेले जीना और अकेले चलना सीख लो। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही खोकर रह जाते हैं। तो शेर के जीवन से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, कि हमेशा अपने आप को बिना समझो, हमेशा खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखो। दूसरी बात, अपने कर्म या अपने काम को पूरे मजे के साथ करो। अगर आपका अपने काम में ही मन नहीं लगता तो सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो फल की आशा मत करो। और तीसरी बात, अपनी सफलता की राह पर अकेले चलना सीख लो, किसी के सहारे की उम्मीद मत करो। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीता तो सिर्फ शेर है, बाकी तो सब मिट्टी के ढेर हैं। नहीं हुई अभी देर है, तू भी अंदर से एक शेर है। थैंक यू।